बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ डॉन पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, सब्जेक्ट SST, सबक नंबर 7, पाकिस्तान की मुतनव्वे सकाफत बलोची सकाफत आला रवायात और फ़नून लतीफ़ा की नुमाइंदगी करती है। इनके कबीले होते हैं और मुख्तलिफ त्यौहार मनाए जाते हैं। दास्तान को यहाँ पर अहमियत रखती है। पख्तून सकाफत मजहबी अकायद और रवायात यहाँ की हासियत है। लोग सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। मेज़बानी, जफाकशी और बहादुरी यहाँ के लोगों का सकाफती वरसा है। नेक्स्ट हमारे पास कश्मीरी सकाफत। मुख्तलिफ रवायात जैसे खाना, लिबास, त्यौहारों और फ़नून की सूरत में उजागर होती है। कश्मीरी दस्तकारियाँ, नक्शनगारी और फ़न तामीर कश्मीरी सकाफत की पहचान है। गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत शीना और हंजा की सकाफत कहलाती है। कशीदाकारी, कढ़ाई और गर्म कपड़े यहाँ की हासियत है, क्योंकि यहाँ का मौसम कदरे ठंडा होता है। मुख्तलिफ सकाफतों की मुश्तरका खसूसियात। पाकिस्तान मुख्तलिफ सकाफतों का मस्कन है। इनमें बहुत सी मुश्तरका खसूसियात पाई जाती हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोग मुसलमान हैं। ईद उल फितर और ईद उल अज़हा मजहबी त्यौहार हैं। अकलीतों को मजहबी आज़ादी हासिल है और इस्लामी हताती को भी खास मुकाम हासिल है। सवाल नंबर 3, पाकिस्तान में पाई जाने वाली मुख्तलिफ सकाफतों की मुश्तरका खसूसियात के बारे में आप क्या जानते हैं? जवाब, पाकिस्तान में पाई जाने वाली मुख्तलिफ सकाफतों की मुश्तरका खसूसियात दर्जा ज़ैल हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग मुसलमान हैं। मजहबी त्यौहार पूरे मुल्क में मनाए जाते हैं। लोग ख़ानदान की सूरत में रहते हैं। ख़ानदान का सरबरा मर्द होता है। अकलीतों को मजहबी आज़ादी हासिल है और इमारतों में मजहबी हताती की जाती है। यहाँ पर